अगर फिनो पेमेंट बैंक की कंपनी पर जॉब करना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट फिनो पेमेंट बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनना चाहते हैं, आपका कोई गोल हो, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे फिनो पेमेंट बैंक में आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे फॉर्म फिल करेंगे और आपको कैसे जॉब मिलेगी और क्या क्या जॉब की कैटेगरीज मिलेगी, कई तरह की इसमें जॉब आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो आप कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी ना, ताकि जिनको नीड हो, जिन बैंकिंग सर्विस फाइनेंस और सेल्स का आइडियाज हो, एक्सपीरियंस हो, जो करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ताकि उनको ये वीडियो मिलेगा, वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा और उनका जॉब मिल सकता है, उनको अप्लाई करने के बाद उनको भी मिल सकता है, तो ये किसी का फायदा होगा। तो इस वीडियो को आप बने रहना, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम फिनो पेमेंट बैंक की अपडेट न्यूज़ और भी इस चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, और भी बैंकिंग सेक्टर सारी जानकारी इस चैनल पे आपको हमेशा अपडेटेड मिलेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप आ रहे हैं, हम फिनो पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम अबाउट यूज़ पे आ गए हैं, तो अबाउट में जाकर यहाँ पे करियर पे हम आ चुके हैं। करियर पे जैसे हम आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे करंट जॉब जो कि ओपनिंग है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हैं तो, आपकी चॉइस है। जैसे कि यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज और मतलब कैटेगरीज वाइज जॉब है, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है या आप इच्छुक हैं काम करने के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सीनियर मैनेजर फाइनेंस में, या सीनियर मैनेजर सेल्स में, या आप मैनेजर CMS का, या प्रोडक्ट मैनेजर मर्चेंट के अंदर, जो मर्चेंट को संभालते हैं, मर्चेंट को सर्वाइव करते हैं, हैंडल करते हैं, या सेल्स ऑफिसर। तो ये जो सेल्स ऑफिसर की जॉब दिया गया है, इसमें सेल्स ऑफिसर की जो जॉब दी गई है, जिसमें जगह है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे, तो ये स्पेशलिस्ट मध्य प्रदेश के लिए दिया गया है, जिसमें आप अप्लाई करके मध्य प्रदेश में आपको इसमें जॉब दिया जाएगा। तो इन कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और आपको ये जॉब मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है तो मिल जाएगी। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग ऑफ फॉरवर्ड देम प्लीज़ ज्वाइन द फिलिंग द बिलो फ्रॉम डिटेल, तो इसमें एक आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि इसमें डिटेल्स दिया गया है, तो आपको हम फॉर्म दिखा देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे डाउन करते हैं, इसके पेज के नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे जो कि फिल करने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टाइटल, और यहाँ पे अपलोड अपना रिज्यूम। आपके पास एक रिज्यूम ज़रूर होना चाहिए ऑलरेडी, जो हम आपको रेडी करवा लेना होगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो डिटेल क्या कैसे फिल करना है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप नेम कुछ भी डाल लिए, आप XYZ कुछ भी नाम जो आपको रियल नेम है वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमने आपको बताया, बैंक सेल्स, बिजनेस टेक्नोलॉजी, सेंट्रल कॉरपोरेट फाइनेंस, इस तरह से जितने भी इसमें कैटेगरीज है, आप उसमें सेलेक्ट करके जो जिसका आपको एक्सपीरियंस अनुभव हो उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसमें कई सारी कैटेगरीज दिया गया है, तो ये आपको एक सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल तौर पर हम बैंक सेल्स में कर लिए, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे टाइटल में क्या डालना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको रिज्यूम, जो आपके पास रिज्यूम हो तो आप पहले फ़ोन पे रख लेना होता है, PDF फाइल का रिज्यूम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा PDF फाइल में, और उसमें आपका पूरा नेम, डिटेल, अपडेटेड, मतलब जो रिज्यूम होता है आपका अपडेटेड, करंट अपडेट होना चाहिए, और आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ सारा कुछ प्रोसेस करके आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ये अप्लाई नाउ है, तो अप्लाई नाउ भी आप क्लिक कर देंगे तो ये आप सीधे अप्लाई हो जाएगा। ये डायरेक्ट फिनो पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर यानी मेन ब्रांच बैंकिंग जो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और भी जो रिज्यूम वगैरह सारा कुछ वहाँ पे पहुँच जाएगा, और वो आपको उधर से मतलब बैंकिंग के साइड से फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंड करते हैं आपको कॉन्टैक्ट वो खुद ही करेंगे। अगर आप सेलेक्टेड हैं, आपका रिज्यूम और जो कैटेगरीज आपकी एक्सपीरियंस है, तो सबसे अच्छा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपको इस फील्ड में जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे आपका फाइनेंस वगैरह, तो रिज्यूम में आपको वो जरूर फिल कर देना किस किस बैंक में क्या क्या एक्सपीरियंस है सेल्स का या किसी भी चीज़ का, तो वो अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपका चांस है कि इसमें आप सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो वो डायरेक्ट ही कंपनी की तरफ से आएगा कॉल वगैरह, ईमेल वगैरह, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको या अप्लाई करना है तो आप फिनो पेमेंट बैंक की वेबसाइट में आ जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पे अबाउट अस में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको करियर दिखेगा। करियर पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, लाइफ एट फिनो या जॉब अपॉर्चुनिटी।
तो जॉब पर आपको सेलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट टाइम और भी वीडियो लाते रहें इस तरह से जॉब बैंकिंग सेक्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।